हे गेमर्स, तो फाइनली हमारे पास आ चुका है आईक्यू G6 5G। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही करेंगे फ्री फायर मैक्स फुल गेमिंग रिव्यू। तो पहले क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ओके, तो अब गेम की तरफ चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सेटिंग्स देख लेते हैं। डिस्प्ले में आप ऑल हाई सेटिंग्स ऑन कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन, शेडो, हाई एफपीएस सब, और ये चारों फिल्टर्स भी। तो मैंने काफ़ी देर गेमिंग करी है इस फोन में और क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा सब बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा सा इस स्मार्टफोन का गेमिंग देख लो। Kill. Triple kill. First blood. सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। तो डिस्प्ले में एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेंसिटिविटी, टच रिस्पॉन्स रेट सब बराबर मिलता है। आराम से वन टैप ड्रैग या 360 ग्लूअल लग जाती है और 120 हर्ज रिफ्रेश रेट की वजह से ग्राफिक्स भी थोड़े से रियल लगते हैं। तो डिस्प्ले हर तरह से गेमिंग के लिए ओके है। बस एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, तो नॉच ऑन करके खेलने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी नॉच ऑफ करके आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। सो नॉच को छोड़कर डिस्प्ले ऑसम है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने 4 घंटे के आसपास कंटिन्यू गेमिंग करी है और फ्रेम ड्रॉप या लैग देखने को नहीं मिला। तो आप इजीली अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर लंबी गेमिंग कर सकते हो। हाँ, फुल मैप में मुझे एक जगह फ्रेम ड्रॉप दिखा था जब ज़्यादा बंदे एक साथ आ गए थे तो, बट फिर तुरंत सही हो गया। फ्रेम ड्रॉप न दिखने का कारण ये है कि ये फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं होता, तो लंबी गेमिंग पर भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूं तो हाँ, ये भी अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर आराम से हो जा रहा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी फिलहाल कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है 6-7 महीने के बाद मैक्स सेटिंग्स पर फुल मैप गेमिंग में हल्का सा फ्रेम ड्रॉप मिल जाए या ना भी मिले। बट सिर्फ गेमिंग के लिए फिलहाल ये फोन बेस्ट है अपने सेगमेंट में। बाकी बैटरी बैकअप अच्छी है, आराम से 5 घंटे की गेमिंग निकाल लेता है ये फोन, वो भी हाई सेटिंग्स पर। तो अब बात करते हैं कि क्या ये फोन 15,000 में गेमिंग के लिए लेना सही रहेगा या नहीं। तो हाँ, फ्री फायर प्लेयर्स इस फोन को बिल्कुल ले सकते हो, बट BGMI प्लेयर्स के लिए ये फोन नहीं है, क्योंकि इसका जायरो जो है वो सही से वर्क नहीं करता। सो अगर आप वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले और लिटिल स्लो चार्ज से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो आप इसे गेमिंग फोन के तौर पर परचेज कर सकते हो। तो रिव्यू में बस इतना ही। रिव्यू काम की लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।